आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक निबंध पढ़ा था जिसका शीर्षक था लोकगीत, और यह निबंध कक्षा 6 की पुस्तक वसंत से लिया गया है और इस निबंध के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो हमने इसके पहले भाग में जाना था कि लोकगीत क्या होता है। तो लोकगीत जनता का संगीत है और लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाया जाता है। तो लेखक ने बताया था कि लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को इस पाठ में बताया है कि किस तरह से हमारे देश में लोकगीत किस तरह से अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो गांव और जो देहात है वहां पर अभी भी लोकगीत काफ़ी प्रचलित है। और साथ ही साथ लेखक ने हमें इसके पहले भाग में हर राज्य के कुछ विशेष लोकगीतों के बारे में बताया था। साथ ही साथ कुछ राज्यों की जो आदिवासी जनजातियां हैं तो वहां पर जो लोकगीत हैं, तो किस तरह वहां के लोग अपने एक समूह, मतलब वहां के जितने भी समुदाय हैं तो वो समूह में, ग्रुप में अपना नृत्य और अपना गाने की प्रस्तुति देते हैं और वहां पर ये लोकगीत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। तो लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी कहते हैं कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। भोजपुरी मतलब बिहार में, तो बिहार में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया नामक लोकगीत का काफी प्रचार प्रसार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते रहते हैं और जो बहुत सारे लोग हैं वो इन्हें गाने वाले समूह अक्सर गांवों में देखे जाते हैं। उधर के जिलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने काफी लोकप्रिय नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि जो विदेशिया जो लोकगीत है तो बिहार में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वहां पर और कोई गाना इतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि विदेशिया वहां पर प्रसिद्ध है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियो और प्रियाओं की बात रहती है, पर देसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता रहता है। जो विदेशिया जो गीत है इनमें अधिकतर रसिक प्रेमी और प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात होती रहती है, पर देसी प्रेमी की और उनसे निकली करुणा, दया और विरह, मतलब उनसे अलग होने का जो भी दुख दर्द है वो इन लोकगीतों में गाया जाता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं और जितने भी जंगल की जनजातियां होती हैं उनके भी समूह गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। काल का अर्थ होता है समय। तो लेखक बता रहे हैं कि जंगल की कुछ जनजातियों आदि में भी समूह दल होते हैं जो अधिकतर बिरह गीत आदि गाते हैं। एक और जहां पर पुरुष गाते हैं और दूसरी ओर महिलाएं उनके जवाब देते हुए वो भी अपने समूह में गीत ऐसा इतना मधुर गीत गाते हैं कि चारों दिशाएं गुंजायमान होने लगती हैं। लेकिन कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का, मतलब समूह गायन का, विनाश हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं, और लेखक यहाँ पर एक दूसरे प्रकार के लोकप्रिय गाने के बारे में बता रहे हैं जो कि आल्हा के गाने हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। बुंदेलखंड एक जगह है, एक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की एक जगह है। एक बुंदेली एक नृत्य भी होता है और एक बुंदेली एक भाषा भी होती है। तो जो आल्हा जो लोकप्रिय गाने हैं वो अधिकतर बुंदेलखंड में ही गाए जाते हैं और बुंदेलखंड में ही नहीं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। तो लेखक बता रहे हैं कि एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। हमने आल्हा उदल के बारे में पढ़ा हुआ है, तो वो जो आल्हा हैं उनके भी बड़े लोकप्रिय गाने हैं और ये अधिकतर बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में वखान किया था। तो लेखक बता रहे हैं कि इन लोकगीतों का आरंभ, मतलब शुरुआत, तो चंदेल के राजा थे उनके राजकवि जिनका नाम था जगनिक, तो ऐसा माना जाता है कि जो चंदेल के जो राजा के राजकवि थे जिनका नाम जगनिक था, तो उन्होंने ही लोकगीतों की शुरुआत की है, जिसने आल्हा उदल की वीरता को अपने महाकाव्य वखान का अर्थ होता है वर्णन किया हुआ है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा है और ये गीत हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं।
और लेखक बता रहे हैं कि जो मतलब जो राजकवि जगनिक थे, जिन्होंने आदला उदल की वीरता को अपने महाकाव्य में बताया है, तो ऐसा निश्चित है कि उनके जो भी छंद थे, उनका जो भी लय था, तो उसको साधारण बोलचाल में उसके विषय को दूसरे गांवों के कवियों ने भी अपने समय समय पर अपने गीतों में, अपने लोकगीतों में उतारा जाता है। और ये लोकगीत भी आज हमारे गाँवों में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे हम कि कभी कभी घर के बाहर गांव एक गाने वाले निकलते हैं जिनके हाथों में ढोलक होती है, और वो अपने राज्य का लोकगीत गाते हुए यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो इनके मतलब इस तरह के जो लोकगीत हैं, तो उनको गाने वाले गाँव गाँव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इनके अपने बोल है। और लेखक कह रहे हैं कि लोकगीत पर जैसा कि हमने अपनी कभी सड़कों पर देखा होगा कि कुछ लोग बंजारे लोग रस्सियों पर खेल करते हैं, तरह तरह के करतब करते हुए दिखाए जाते हैं, तो वहां पर भी ये लोकगीत वो लोग भी गाए जाते हैं। और ये लोकगीत अधिकतर गद्य रूप में होते हैं और इनके अपने बोल होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, और हमारे इस देश में भारत देशों में ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो स्त्रियों के द्वारा रचित है। तो ये भी लोकगीत भी लोकगीत ही पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। वैसे तो ये जो जितनी भी और स्त्रियों के द्वारा रचित गीत हैं, ये भी लोकगीत कहे जाते हैं, लेकिन इन्हें अधिकतर औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिर तजी भी अधिकतर वही है, इन्हें इनके मतलब इनके रचयिता भी अधिकतर वही लोग हैं। वैसे मद रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो स्त्रियों ने ही बनाए हैं, उन्हीं के द्वारा रचित हैं और गाती हुई सिर्फ वही हैं। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिन्हें मर्दों ने भी पुरुषों ने भी बनाया है, लेकिन इन लोकगीतों का संबंधता विशेषता स्त्रियों से ही होता है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। भिन्न का मतलब होता है अलग है। तो अगर इस दृष्टि से लोकगीत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत बाकी सभी देशों से अलग है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही है। लेखक कह रहे हैं कि अगर इस दृष्टि से देखें तो भारत अन्य देशों की तुलना में अलग है, क्योंकि संसार के जितने भी देश हैं वहां पर स्त्रियों के अपने गीत वहां के पुरुषों वहां की जनजातियों से अलग नहीं है, मिले जुले ही है। लेकिन हमारे जो लोकगीत हैं वो हमारे जो हमारे पुरुषों के गीतों और जन गीतों से बहुत अलग है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। लेखक ने बताया कि ऐसे बहुत सारे शुभ अवसर है जहाँ पर स्त्रियां गाना गाती हैं, जैसे छठ पूजा में छठ पूजा में नदी में जाते समय वहाँ की स्त्रियां भोजपुरी में गीत गाती हैं, और विवाह के वक्त भी स्त्रियां गीत गाती हैं, मटकोड़ के मतलब मटके भरने के वक्त भी, जीवनार मतलब भोजन के वक्त भी, और संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के रूप में भी, और किसी बच्चे के जन्म पर भी। ऐसे आदि शुभ अवसरों पर हमारे भारत में स्त्रियों के द्वारा लोकगीत गाए जाते हैं। इन अवसरों पर इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गीत गा रही हैं। और ऐसा अभी अभी नहीं है कि अभी ये स्त्रियां ऐसे अवसरों पर लोकगीत गाती हैं, बल्कि ये तो बहुत प्राचीन काल से है कि हमारे जब शुभ अवसर या कोई त्योहार, शादी विवाह होता है या किसी बच्चे का जन्म होता है, तब अक्सर महिलाएं लोकगीत गाती हैं, और हमारे ये लोकप्रिय हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, और महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में, अपने महान ग्रंथों में लोकगीतों के बारे में कहा है। शोहर, बानी, शहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं, और कुछ लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है जैसे शोहर, बानी, शहरा, ये सब विवाह के वक्त, शादी के दौरान महिलाएं गाती हैं। वैसे तो 12 मास पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। वैसे तो 12 मास जैसे 12 महीने जैसे पुरुष गाना गाते हैं, वैसे स्त्रियां भी गाना गाती हैं। लेकिन कुछ शुभ अवसरों पर महिलाएं, उनकी कुछ विशेष लोकगीत हैं जो महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणता अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। और हमने यह बात
आप देखी होगी कि स्त्रियों की जितनी भी गाने हैं वो अकेले नहीं गाए जाते, वो समूह में ग्रुप में गाए जाते हैं, जिसमें अनेक कंठ, कंठ का मतलब होता है गला, जिसमें अनेक गला एक साथ फूटते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर गाते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर भी बहुत ही भले लगते हैं। लेखक बता रहे हैं कि स्त्रियों के ऐसे बहुत सारे गाने, बहुत सारे लोकगीत होते हैं जिन्हें बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्त्रियां मिलकर गाती हैं और सबके गले एक साथ गुंजायमान होते हैं। भले ही उनमें मेल नहीं होता है, लेकिन फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे गीत बहुत ही अच्छे लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। और गाँव में और नगरों में, मतलब शहरों में, कुछ गायिकाएं भी होती हैं। जब किसी के यहाँ विवाह, शादी या जन्म होता है, तब इन स्त्रियों को विशेष रूप से गाने के लिए बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती हैं, और जितनी भी ऋतुआं होती हैं उनमें जो स्त्रियां, जो महिलाएं हैं, वो उनमें उल्लास आता है और वह समूह बांध कर गाना गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती, लेकिन विशेष रूप से महिलाएं होली और बरसात की कजरी में अपनी लोकगीत जरूर गाती हैं, जो सुनना जरूरी, सुनना सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, और जो पूरब दिशा के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर मैथिल और कोकिल, विद्यापति के गीत अभी भी गाए जाते हैं। पर सारे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़ से गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक सबके अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, और हमने घरों में देखा होगा कि जब हमारे घरों में शादी होती है तो एक स्त्री ढोलक बजाती है और बाकी सारी स्त्रियां मिलकर बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत गाती हैं। अधिकतर उनके गानों के साथ नाच का भी पुट होता है, और कुछ जब गाने होते हैं तो तब कुछ वक्त विशेष, मतलब शादी विवाह में कुछ महिलाएं साथ में नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। दलीय गायन का अर्थ होता है ग्रुप में जो लोग गाना गाते हैं, समूह में गाते हैं। तो हमने देखा होगा कि जो गरबा है वो बहुत सारे लोग मिलकर एक एक, एक गोला बनाकर सब लोग साथ में करते हैं। तो लेखक ने बताया कि गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन, मतलब समूह गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं, साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं और डांडिया खेलती जाती हैं, जो बाजे का काम करती हैं। और हमने देखा कि हमारे यहाँ जो डांडिया होता है, गरबा होता है, तो बहुत सारे लोग एक समूह बना के सब लोग साथ में एक घेरा बना के गरबा खेलते हैं, और उनके जो उनके पास जो डांडिया होता है उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ साथ चलते, और इसमें नृत्य और संगीत साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है, और लेकिन यह मुख्य रूप से यह एक नृत्य ही है जो कि अब सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में लोकप्रिय होने लगा है। तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ नवरात्रि के टाइम पर अक्सर हर जगह गरबा होता है। तो लेखक ने बताया किस तरह से गुजरात का एक प्रसिद्ध समूह गायन है गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं और साथ में नृत्य भी करती हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रशिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। इसी प्रकार जब ब्रज मतलब मथुरा वृंदावन में एक जगह का नाम है, तो जब मथुरा वृंदावन पर ब्रज में जब होली का रंग चढ़ता है तो वहां पर समूह के लोग गीत गाते हैं, और स्त्रियां वहां पर विशेष तौर से होली के त्योहार में मधुर संगीत गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जहां जीवन इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। भला उद्दाम जीवन के ही वहां के अनंत संख्या गाने प्रतीक है। और लेखक कह रहे हैं कि गांव के गीतों के वास्तव में बहुत सारे प्रकार हैं। जीवन जहां पर इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोत की कभी कमी हो सकती है। मतलब गाँव के लोग, गाँव में लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही मधुर संगीत गाते हैं, और वहां पर मनोरंजन के साधन कम होते हैं, इसलिए वो आपस में अपने लोग गीत गाकर और नृत्य कर अपना मनोरंजन करते हैं, और वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी और आनंदी मिलती है। तो उद्यम जीवन के वहां के अनंत संख्या गाने प्रतीक है कि किस तरह से हमारे गांवों में लोग आज भी लोकगीत प्रचलित है। तो हमें इस पाठ में, इस निबंध में लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, लोकगीत के विकास और लोकगीत के महत्व के बारे में बताया है। और लेखक ने बताया कि लोकगीत जनता का ही संगीत है, और लोकगीत शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। शास्त्रीय संगीत के लिए हमें
उसकी उसकी प्रार्थना करनी पड़ती है, लेकिन हमारे जो लोकगीत हैं उसकी उस उसकी कोई भी आराधना नहीं होती, वो तो हमारे दिनचर्या से, हमारे जितना भी हमारे दैनिक जीवन के जितने भी काम हैं वह उनसे ही संबंधित ही होते हैं, और जो शास्त्रीय संगीत होता है वह कल्पनाओं से संबंधित होता है। तो जो लोकगीत होते हैं वह त्योहार और विशेषकर विशेष अवसर पर गाए जाते हैं। इन्हें साधारणतः ढोलक, करताल और बांसुरी की मदद से गाया जाता है। तो लेखक ने हमें इस पाठ में हमें बताया कि किस तरह से हमारे गांव में आज भी लोकगीत उतने ही प्रचलित हैं जितने की वर्षों से प्रचलित होते आ रहे हैं। हमारे यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।